नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हम सभी हिंदू सनातन संस्कृति की ओर और आज जानें कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि, व्रत और उसका महत्व क्या है। दोस्तों, 9 फरवरी 2020 को माघ पूर्णिमा पड़ रही है। अगर हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार बात करें तो दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण है। इस दिन जो शुभ कार्य किए जाते हैं उनका फल कभी नष्ट नहीं होता, अक्षय हो जाता है। माघ पूर्णिमा व्रत आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। अगर हम ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात करें तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माघ पूर्णिमा पर स्वयं नारायण भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन जो भी गंगा में स्नान करते हैं उनके सारे दान जब उन्हें उनके द्वारा किए गए शुभ कर्म उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाते हैं। ये स्नान संपूर्ण माघ मास में तो चलता ही है, पौष मास की पूर्णिमा से आरंभ होकर के माघ की पूर्णिमा तक होता है। संपूर्ण मास में गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है और पूर्णिमा के दिन तो विशेष ही है। यदि कोई संपूर्ण मास में अगर स्नान नहीं कर पाता तो 3 दिन या 1 दिन माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। जो भी पूरे महीने गंगा में स्नान करता है उसी जन्म में मुक्ति का भागीदार होता है। त्रिवेणी में स्नान करने से उसे बहुत पुण्य मिलता है। उसके घर में सुख समृद्धि धन धान्य संतान सभी प्रकार के दोष उसके घर से नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा जो आरंभ है वो 8 फरवरी 2020 को और पूर्ण हो रही है 9 फरवरी को, लेकिन इसका जो विशेष महत्व है वो 9 फरवरी को। इसलिए स्नान अगर आप कर रहे हैं 1 दिन का तो 9 फरवरी को करें, अच्छा रहेगा। हिंदू शास्त्र के अनुसार माघ मास में सभी देवता मानव रूप धारण करके स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आकर वास करते हैं और प्रयागराज में स्नान जब दान करते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान करने से सभी प्रकार के मोक्ष सभी प्रकार की सुख संपत्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती का सुंदर संगम स्थल है। कहते हैं त्रिवेणी में स्नान करने से विशेष हमें फल प्राप्त होता है। जो स्वर्ग में निवास करना चाहते हैं उन्हें माघ मास में सूर्य मकर राशि में स्थित होने पर अवश्य किसी न किसी तीर्थ में स्नान करना चाहिए। स्वर्गलोक के चिरमवासो ये साम मनसि वर्तते यत्र क्वापि जले तैस्तु स्नातव्यम मृग भास्करे। इसलिए भगवान श्री भास्कर सूर्य भगवान की पूजा अवश्य करें। इस दिन माघ मास की पूर्णिमा पर व्रत स्नान जप हवन दान का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, पितरों को श्राद्धे और जरूरतमंद जो है उनको दान करें। दोस्तों, और ओम गंगे च यमुना गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी अस्मिन् जले सन्निधिं कुरु, इस मंत्र के उच्चारण से स्नान करें और ओम घृणी सूर्याय नमः इससे अर्घ दें। भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। गरीब व्यक्ति को ब्राह्मण को भोजन कराकर आप दान दें और दान में काले तिल का विशेष रूप से दान करें। काले तिल से हवन, काले तिल से पितरों का तर्पण करें। इस दिन कोशिश करें कि कोई गलत कार्य ना करें, झूठ ना बोलें। दोस्तों, जब चंद्रमा अपनी राशि कर्क में होता और सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि में मकर होता है तब माघ पूर्णिमा का बहुत सुंदर योग बनता है। इस योग में सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इस योग को पुण्य योग भी कहा जाता है। इस योग में स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा से मिलने वाले कष्ट शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा दोष है और मानसिक संताप कर रहा है उन्हें माघ मास में गंगा जल से स्नान करना चाहिए और दान करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्रमा का दोष जो है आपकी कुंडली में वो समाप्त हो जाता है। तो आप माघ मास की पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, शारीरिक व्याधियां दूर होती हैं, शरीर निरोग होता है। इस दिन स्नान करके भगवान विष्णु और महादेव की पूजा अर्चना करके आप मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। आपको काला तिल कंबल का दान करना, ऐसा करने से नरक लोक से मुक्ति मिल जाती है, पितरों का भी उद्धार हो जाता है। माघ मास की पूर्णिमा पर ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करने, ऐसा करने से श्रद्धालु को ब्रह्मलोक की भी प्राप्ति हो जाती है। सभी पापों से मुक्त करने वाला, स्वर्ग को प्रदान करने वाला,
भगवान की प्रसन्नता के हेतु माघ मास में पूर्णिमा के दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। और अगर आप नहीं जा सकते हैं गंगा में स्नान करने, तो आप अपने घर में ही गंगा जल हो, अगर ना हो तो आप गंगा का आवाहन करें, उनकी पुकार करें और ऐसा अपने मन में भाव करें कि हम गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी के जीवन में सभी प्रकार की खुशियाँ यूँ ही आती रहे, इसी शुभकामना के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ, लेकिन फिर मिलूँगी एक नई रोचक जानकारी के साथ। और आप सभी पर प्रभु की कृपा यूँ ही बनी रहे। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, धन्यवाद।